हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डिसीज़न आया था हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश से, जिसमें इसमें ये लिखा है कि जो ओबीसी को है, ओबीसी को इस साल 14% रिजर्वेशन दिया जा रहा है एमबीबीएस सीट्स के लिए, है ना गाइस? तो गाइस, इसका मतलब ये है कि इस साल जो नीट काउंसलिंग होगी उसमें ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों को केवल 14% रिजर्वेशन दिया जाएगा। हालांकि जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है उसके अंदर ओबीसी कैटेगरी वालों को 27% रिजर्वेशन मिलेगा, है हाँ ना गाइस? तो इस वीडियो के बाद मैं आपको एमपी की सीट मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा थोड़ा। तो जैसा कि उसमें मैं देखा, तो मेरा ये एनालिसिस था कि इस साल गवर्नमेंट कॉलेज की सीट इतनी इंक्रीज़ तो हुई नहीं, मगर प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा सीट इंक्रीज़ हुई है ना? तो गाइस, अभी उस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, तो अपन उसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।